असलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग? खरीद से हैं। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि लेट्स सपोज ये वेबसाइट है। जब हम स्क्रॉल डाउन कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि ये जो आइकन है ये भी, या ये जो लेफ्ट साइड बार है ये भी स्क्रॉलिंग पे स्टिकी हो रही है, साथ में ऊपर। लेट्स सपोज के मैं इस पेज पे जाता हूँ, ठीक है? तो आप देख रहे हैं कि स्क्रॉल पे ये बैक टू ब्लॉक बटन भी, और ये जो राइट साइड बार है ये भी मूव कर रही है। और जब सेक्शन खत्म हो रहा है तो तब वो ऊपर उसने मूव करना शुरू कर दिया है। बेसिकली इस चीज को स्टिकी कहते हैं कि जब सेक्शन ये इसको इसको सेक्शन विद रिस्पेक्ट टू सेक्शन स्टिकी किया हुआ है। जब ये सेक्शन खत्म हो रहा है, जब ये सेक्शन अबव मूव कर रहा है, तो ये भी राइट साइड बार ही मूव कर दिया, अदरवाइज वो जो है स्टिकी हुई हुई है। अब ये जो नया बार है, ये आप देख रहे हैं कि ये इस टाइम फिक्स्ड है। पेज पे जहां भी आप जाएंगे ये आपके साथ मूव करेगी, बट ये इस सेक्शन के यहाँ से स्टिकी हुआ हुआ है, ठीक है? तो हमें इस तरह का जो है, लेट्स सपोज ये स्टिकी कैसे करते हैं, हमें इसको देखना है। तो मैं आइए वेबफ्लो में चलते हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट है, काइंडली वीडियो को जरूर लाइक और शेयर कर दें, और काइंडली चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। ओके, यहाँ पर मैंने आपको एग्जाम्पल दी है। देखिए, अभी मैं जब स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ तो ये ब्लू बॉक्स जो है वो साथ मूव हो रहा है, ठीक है? बट मैं चाहता हूँ कि ये जब स्क्रीन डाउन हो तो ये मूव मत हो, ठीक है? तो मैं क्या करूँगा, इस ब्लू बॉक्स को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर आके पोजीशन में ये बेसिकली सीएसएस पोजीशंस होती हैं, स्टैटिक, एब्सोल्यूट, रिलेटिव, स्टिकी, फिक्स्ड। तो इस पर मैं क्लिक करूंगा और यहाँ से इसको स्टिकी कर दूंगा। बट ये देखें, इसने ये अभी भी जो है स्टिकी नहीं हुई, ठीक है? अब मैं इसकी जो ये टॉप वाली वैल्यू है इसको जीरो कर देता हूँ, तो ये आप देखते हैं कि ये स्टिकी हो चुका है। बट मैं इस स्पेस को भी देना चाह रहा हूँ बीच में, तो यहाँ से इसको 20 पिक्सल टॉप कर देता हूँ। तो अब आप ये देखेंगे, ये विद रिस्पेक्ट टू, लेट्स सपोज हमारे पास यहाँ पर एक और सेक्शन होता। यस, लेट्स सपोज इसको मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ, इसको मैं यहाँ क्रॉस देता हूँ राइट, और यहाँ पर इसको मैं लेट्स सपोज के ये मेहरून टाइप या समथिंग रेड टाइप कलर दे देता हूँ, ठीक है? तो अब आप देखेंगे कि मैं ये सेकंड सेक्शन में मूव कर गया, और जब ये सेक्शन खत्म हो गया तो ये रुक गया है। आई थिंक डिफरेंस आप लोगों को स्टिकी का समझ आया होगा, और इसकी वर्किंग कि हम इसको कैसे यूज करते हैं विद इन वेब फ्लो, ठीक है? तो थैंक यू सो मच।